देश में पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता स्थित आर्शिकर वैद्यकीय महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूरतापूर्वक अनैतिक व्यवहार और अमानवीय हत्या की घटना पर पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक बंद रखकर सड़कों पर उतरे। वहीं इस जन आंदोलन में शहर के सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, समाजसेवी, पत्रकार संगठन उनका समर्थन कर रास्तों पर उतरकर उक्त घटना का तीव्र निषेध कर घटना के दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उन्हें फांसी पर लटकाने की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सावनेर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विलास मानकर, वरिष्ठ चिकित्सक एवं पूर्व आईएमए अध्यक्ष विजय धोटे, डॉक्टर कृष्णराव भगत, डॉक्टर विजय खट्टे आदि के नेतृत्व में शहर के सभी डॉक्टर, पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी पुतला चौक पर दिन भर आंदोलन कर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। दिन भर चलने वाले इस प्रतीकात्मक विरोध का समापन शाम को गांधी प्रतिमा से बाजार चौक, होली चौक, गडकरी चौक, बस स्टेशन आदि तक भव्य कैंडल मार्च निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से भ्रमण कर पीड़िता को न्याय दो, दोषी को फांसी दो के गगनभेदी नारे लगाते हुए आक्रोशित आंदोलनकारियों ने उक्त घटना तथा उसके बाद उभरे हालातों के खिलाफ भारी रोष देखा गया है। क्या महिला, क्या युवतियाँ, क्या डॉक्टर, क्या युवा, हर कोई बस आक्रोशित नजर आया है। शहर का भ्रमण कर आंदोलनकारी वापस गांधी पुतला स्थित आंदोलन स्थल पर पहुंचकर महात्मा गांधी के पुतले पर मोमबत्तियां जलाकर तथा 2 मिनट मौन रखकर मृतक डॉक्टर की पावन आत्मा को शांति व उसके दोषियों को कड़ी सजा मिले ऐसी सामूहिक प्रार्थना कर एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन का समापन किया। इस आयोजन की सफलता के लिए आईएमए सावनेर के डॉक्टर अमित बाहेती, डॉक्टर नीलेश कुमारी, डॉक्टर उमेश चतुर्डे, डॉक्टर आशीष चांडक, डॉक्टर प्रवीण चौहान साथ ही आईएमए सावनेर के सभी डॉक्टर और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कड़ी मेहनत करे हैं। वही आंदोलन स्तर पर सुबह से ही शहर के सभी डॉक्टर तथा समाज सेवी अधिकतर काले शर्ट टी शर्ट पहनकर उपस्थित रहकर अपना विरोध दर्शा रहे थे। इस एक दिवसीय आंदोलन में आईएमए सावनेर के सभी डॉक्टर, शहर में कार्यरत सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज सेवी, महिला पुरुष, युवा युवतियां बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डॉक्टर के साथ में जिस प्रकार से घिनौनी हरकत हुई है उस हरकत को देखते हुए संपूर्ण देश के अंदर में आक्रोश जागा हुआ है। डॉक्टर क्या, समाज सेवी क्या, पूरे एक साथ रास्ते के ऊपर उतरे हुए हैं। आज पूरे भारत के अंदर में डॉक्टरों ने बंद रखा गया है। इस बंद का सरकार के ऊपर में किस प्रकार से असर पड़ता है, आए दिन बच्चियों के होने वाले ये जो बलात्कार है, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इसके लिए भारत सरकार ने सख्त कानून बनाया जाए और जो इस प्रकार की दरिंदगी करते हैं उनके ऊपर में सख्त से सख्त कानून बनाकर उन्हें तुरंत फांसी में लटकाया जाए, जो समूचे देश की मांग है। हमारे साथ में कुछ बहनें हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट का उनके ऊपर में क्या असर पड़ रहा है, जो घटनाएँ हुई हैं उसके ऊपर में क्या फर्क पड़ने जाना। जल्दी बेटिया करे पुकार, जल्दी बेटिया करे पुकार, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। झालेली आहे ती एकदम मनाला सुन्न करणारी घटना आहे। आम्ही मेडिकल फॅकल्टीचे पब्लिक आहे, ही केवळ डॉक्टरांसाठीच नाही आहे तर सामान्य जनतेसाठी पण खूप भयानक घटना आहे। आज आमच्या मुलीला आम्ही जर आपल्याला शांतीपूर्ण तरीकेने काढायचा आहे, त्या बाबतीत कोणत्याही पक्षाचा चिंता राहिलाय। मी सगळ्यांना असं रिक्वेस्ट करते की तुम्ही तुमच्या जितक्या काही आपल्या काही मुली आहेत त्यांना स्ट्रॉंग बनवा आणि सोबतच आपल्या मुलाला तुम्ही एज्युकेशन द्या की प्रत्येक लेडीजचा रिस्पेक्ट करा, जोपर्यंत रिस्पेक्ट राहणार नाही तोपर्यंत ह्या घटना अशाच घडत जाईल। धन्यवाद। आपण बघितलेलं आहे की बाबा महिला जो इन्सिडेंसेस होते, उनकी जो कोर्ट केसेस होते इतने लंबे समय तक चलते हैं कि लोग भूल जाते हैं और अगर फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी निर्णय होकर उनको सजा दी जाए, जब तक लोगों को याद रहे कि किस घटना के कारण ये सजा मिली है तो शायद लोगों के ऊपर इसका असर हो और सजा भी ऐसी हो जो समाज के लिए एक मिसाल हो और हमेशा आगे तो कोई ऐसी कृत्य करने के पहले 10 बार सोचे कि ऐसी सजा मिल सकती है तो वो डर कर रहे। ये जो आंदोलन हमने आज किया है ये सिर्फ आज के लिए सीमित नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो लड़की पर बलात्कार हुआ है, हमारे उस अत्याचार हुआ है उसको न्याय नहीं मिलता, उनके पेरेंट्स को नाम नहीं न्याय नहीं मिलता, सब तो भारतवासियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। पूर्ण भारत
आणि आपल्या इथे जी यंत्रणा आहे कुंपणच म्हणजे होऊन राहिलेलं आहे. या कुंपणावरच कोण कंट्रोल करेल तरच या सगळ्या गोष्टी कंट्रोल होण्यासारख्या आहे. त्यांना कुंपणाला सगळ्यांचं राजकारण्यांचं सर्वांचं जे हे राहते त्याच्यामुळे हे लोक पस्तावलेले आहेत. हे आंदोलन आजच नाही, हे आंदोलन पुढे पण चालू राहील. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही त्या निर्भयाला तोपर्यंत हे आंदोलन आम्ही बंद करणार नाही. आयोजन का संचालन आईएमए के डॉक्टर शिवम पुन्नानी तो वही आभार डॉक्टर स्मिता भुड़े ने माना. एनबीसी न्यूज के लिए सावने से किशोर ढुंडली की रिपोर्ट. हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन. मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर.